सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जीओ। धन धन सच्चे पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी ने राजा बिशन सिंह नूं धीरज दिता ते कहा, जे मेरा कहा मनोगे तां कोई भी विघन नहीं पवेगा, तुसी कामरूप देश नूं फतेह कर लोगे। सतगुरु जी दे बचन सुन के राजे ने धीरज धारण किया, हाथ जोड़ के मन विच दीन हो के गुरु जी की रसीली कीर्ति करता सी, हे प्रभु जी ऐसा कोई कार्य नहीं है जड़ा आप जी की शरण विच पैण नाल नहीं हो सकता, मैनू तुसी प्राण दान दिते हन, मैं कामरूप देश जित लवांगा, नहीं तो मेरा विनाश हो जाता, मैं जीवन की कोई आस नहीं रखी सी। बहुत्यां पासों आप जी का महान जस सुन के अपने मन का हंकार छड़ के आप जी की शरण विच पिया हाँ। उस दिन तो पिछों वड्डे छोटे सारे गुरु जी के बचन मानते सन, तो कोई भी मोड़ता नहीं सी। दोवां किनारियां ते दोवां फौजां दा डेरा सी, फिर लंबे समय तक यह डेरे पए रहे। कामरूप वाले मंत्र जंत्र पढ़ते सन अते प्रेतां नूं बुलाउंदे सन, होर अनेक प्रकार के यतन करते सन। बिशन सिंह नूं मारन वास्ते अनेक प्रकार के उन्होंने उपचार किए, बहुत कुछ राजे दे पास भेजते सन, पर सतगुरु जी हथ दे के बचा लेंदे सन। जंत्रां मंत्रां की शक्ति नहीं सी चलती, जिहड़ी शक्ति करामात वालियां नूं भी खपा सकती सी। महाप्रबल शक्तियां जो मोड़ियां भी मुड़दियां नहीं सन, जिन्हां अगे वड्डे वड्डे बलवान नस जांदे सन, आदि ब्याद अते उपाद प्रगट करदे सन, कई दिन बैठ बैठ के शक्ति साथ दे रहिंदे सन। पर राजे दा वाल भी विंगा ना होया, उसनू किसे मंत्र दा भी सेक ना लगा। कई मंत्र मनुखां नूं पागल कर दिंदे सन अते तन आदि की सारी सुध बुध दूर कर दिंदे सन। मंत्र पढ़ के शरीर दे अंगां नूं वखरा वखरा करवा लैंदे सन, कई खंभियां नूं शरीर ते धारण करदे सन, कई शरीर नूं पलटा लैंदे सन, मनुख तों कुछ होर ही बन जांदे सन। कई जीव इस तरह रोक दिंदे सन कि कोई शब्द बोलिया ही नहीं जा सकता, कई सारी शक्ति ही दूर कर दिंदे सन। कित्थों तक इन्हां दे मंत्रां दी शक्ति बारे कहीए, कई तुरंत प्राणा दा नाश कर दिंदे सन, पर उन्हां विचों कोई भी राजे दे पास आ के सफल ना होया। जिस दे सतगुरु जी रखवाले बनते हैं, जिन्हां वर्गा तिन्हां लोकां विच कोई नहीं है, तिस नूं जा के जे कोई विघन पावे ते अपना आ के प्रभाव विखावे, अनेक बार बहुत बल परखे हन, ओह सारे कर करके हार गए। कामरूप देश विच फिर चिंता दी लहर फैल गई, सारे मनुखां दे नाल राजा भी फिक्रमंद हो गया, की हो गया है, मंत्रां दी शक्ति चलदी नहीं है, सारियां जुगतियां कर करके हार गए हाँ, कौन अजिहा बली है इस तों इह सारे मंत्र हार गए हन। ओह आप अपनी शक्ति नहीं विखा रहा है, कोई भी कार्य सिद्ध नहीं कर सकते हाँ, बलियां दे के पूजे होए साडे मंत्र निष्फल गए हन। फिर होर बहुत उपाय किए, सारिया स्त्रियां जिन्हां ने मंत्र धारण किए हुए सन उन्हां सब नूं राजे ने अपने पास बुलाया ते उन्हां नूं बहुत धन दे के कहा, तुसी सारियां इकट्ठियां होकर जाओ ते अपने मंत्रां दी शक्ति विखाओ, जे तुहाडे पासों कोई मर्द ना भी मरे तद भी शक्ति विखाओ, हिरदे विच डर पैदा होवेगा, जिस तों बादशाह दी फौज बहुत डर मन के भज जावे। सुन के स्त्रियां तैयार हो गई ते उन्होंने आपो अपने मंत्र संभाल ले। धोबणा घुमियारियां चमियारियां आदि जातां दियां स्त्रियां राजे दे कहण ते सारियां चल के आ गई, किसी ने चढ़ के दीवार भजा ली, कोई ब्रिज ते सवार होकर चल पई, कोई मुख तों विशाल अग कढ रही सी, किसी ने ढोलक किसी ने डमरू फड़िया सी, कोई शेर उत्ते चढ़ के गज रही सी, कोई भयानक रूप विखाउंदी सी, कोई बहुत सुंदर बन ठण के आउंदी सी, सारियां आकाश विच चढ़ के चलिया आउंदियां सन ते फौज नूं डर उत्पन्न करदियां सन। कोई वस नहीं सी चलदा, फड़ियां नहीं सी जांदियां, वेख वेख के मनुख डरदे सी, सारिआं ने वड्डा आश्चर्य मन्निआ, हिरदे दा सारा उत्साह गवा लिया। राजे बिशन सिंह ने भी बहुत स्त्रियां वेखियां जिन्हां विच मंत्रां दी शक्ति सी, उसने कहा, तोपां छड्डो ते गोलियां दे वार करके इन्हां नूं जख्मी करो,
पर वह दूर रहन नेड़े ना आन जे यह मरन गियां तां फिर सारी खबर पावांगे। फिर बहुत तोपां तैयार करके चलाउण लगे ते उच्ची आवाज़ प्रगट होई जिन्हें भी गोले उन्हां नूं मारे उन्हां विचों कोई भी उन्हां दे नेड़े ना पहुँच सकिया। कई अध विच ही डिग पैंदे सन, कई तोपां विच ही अड़े रह जांदे सन। कई गोले अगों वापस आ गए ते उन्होंने आके कई योद्धियां नूं घायल कर दिता, पर उन्हां नूं एक गोला भी छू ना सकिया। वह इस्त्रियां अगों वेख के हसदियां सन ते शोर मचाउंदियां सन, फिर फिर के नचदियां सन ते पुआटणियां लैंदियां सन ते गा के भारी खुशी मना रहियां सन। कदे ब्रह्मपुत्र दरिया दे उरले पासे आ जांदियां सन, कदी दौड़ के पारले किनारे ते चलियां जांदियां सन। कईयां दे सिर दे वाल खुले सन, कई महान बिरध सन अते उन्हां दा विकराल रूप सी। कई जवान भी सन जिन्हां ने बहुत हार शिंगार कीता होया सी। कई मूँह विचों अग कढ़दियां सन, सैना दे उपर दी फिर गईयां, इन्हां नूं खा लवो पुकार दियां सन। इस प्रकार जद वेख्या तां राजा बिशन सिंह बहुत हैरान होया। इन्हां उत्ते साडा कोई भी यतन नहीं चलदा है, मंत्रां दे बल नाल मार देणगियां। राजा मान सिंह मेरा दादा सी, इस तरह ही उसनू परलोक विच भेज दिता सी। इस तरह जित किवें प्राप्त करांगे? इको ही यतन है कि गुरु जी की शरण पै जावां। यह स्त्रियां बहुत विशेष कौतक विखा रही हैं, कई दिन हैरान हो के वेख्या है। तद राजा घोड़े ते चढ़ गया ते सतगुरु जी नू मिलन वास्ते चलिया। गुरु जी का दमदमा दूर बहुत उच्ची थां ते सी, उत्थे पूरन गुरु जी ने उतारा किया सी। कई सूरबीर योद्धे भी राजे दे नाल चल पए। राजा बड़ी चिंता विच डुबा होया आ रहा सी। जद दमदमे दे पास चल के आया तां घोड़े तो उतर के उसने सिर निवाया, पैदल ही उपर वल चला गया जिथे सतगुरु जी बैठे दिखाई दे रहे सन। दौड़ के बड़ा उतावला हो के गुरु जी दे चरनी जा पिया ते वंदना करके अगे खड़ा हो गया। गुरु जी ने तलवार ढाल पहनी हुई सी, जिस तलवार की मुठ्ठी सोने की सी, हीरे जड़े कड़े हत्थां विच पाए हुए हैं, पग ते जिगा चमकदी दिसदी है, उच्ची कलगी सीस तो शोभ रही है, बस्तर शस्त्र बहुत कीमती धारण किए हुए हैं। राजा गुरु जी के सामने जाके बैठ गया। गुरु जी ने अपने गल विच सफेद रंग का जामा पाया होया है, जिहड़ा बहुत सूखम है ते सुंदर शोभ रहा है। अगे बहुत वड्डा धनुखबाण धरिया होया है ते सुंदर चौर सिर ते फिर रहा है। गुरु जी दे रसीले नैण किरपा नाल भरे हुए हैं, हिरदे विच महान ब्रह्म ज्ञान धारण किया होया है। जो भी शरण विच आउंदा है उस ते शरदा धारण करदे हन ते उस नूं दोवां लोकां दा सुख दिंदे हन। मुस्कुरा के गुरु जी ने बचन उचारे, हे बिशन सिंह दसो राजी खुशी हो? राजा हाथ जोड़ के बोलिया, हे प्रभु जी, सब सुख है, तुहाडी किरपा है। कामरूप देश विकराल मंत्रां दा भरिया है, वेख वेख के मन बहुत हैरान हुंदा है। बहुत स्त्रियां सैना दे पास आउंदियां हन ते टूणे करके सूरमियां नूं डराउंदियां हन। सारे सूरमियां दा धीरज जांदा रहा है। उन्हां जादूगरनियां उत्ते कोई भी उपचार नहीं चलदा। जिहड़ियां तोपां बंदूकां उन्हां वल चलाउंदे हां उह वापस आ के साडे सूरमियां नूं घायल कर दिंदियां हन। ब्रिछां नूं उडाउंदियां हन, कंधां नूं भजाउंदियां हन ते मुख विचों अग दी लाट कढ़दियां हन। फड़ियां नहीं जांदियां, नेड़े नहीं आउंदियां ते सैना दे उपर दी फिर जांदियां हन। सब योद्धे बहुत हैरान होए हन, डरदे रहिंदे हन, कुछ भी वस नहीं चलदा है। मैं तुहाडे ते विश्वास करके तुहाडे चरणां दी आस धार के आया हाँ, नहीं तां मैथों इह किवें बण आवेगी जिथे मान सिंह वर्गे सूरमे मर जांदे हन। हुण कैसा कारज करना बणदा है, आप जी दे पास पुछण वास्ते आया हाँ। इधर आए नूं बहुत समा बीत गया है, ब्रह्मपुत्र दे किनारे ते डेरा लाया है, उन्हां उत्ते कोई भी जोर नहीं पिया है। हे प्रभु जी, किवें आ के उह मिलणगे? दिन रात यह चिंता मेरे चित विच रहिंदी है, किवें इस देश नूं जित्तां? कोई भी उपा दिखाई नहीं दिंदा है। एक यतन मैं दृढ़ कर रख्या है, आप जी दे चरणां दी शरण दी अभिलाषा रखदा हाँ। बांह फड़ी दी लाज विचारो ते चिंता दे सागर तों पार उतारा करो। सतगुरु जी ने राजे पासों कायरता भरे शब्द सुन के अपने पवित्र मुखार बिंद तों उसनों धीरज दिता।
बिशन सिंह पासों सुन के गुरु जी ने मुख तो फरमाया, चित विच कोई चिंता ना करो, प्रभु जी सहायक बनणगे। मान सिंह तो जो बन नहीं आया है, जो तू दसदा है कि महान कठिन है, वह कारज तू चंगी तरह सिरे चाड़ लवेगा, कामरूप नू तू जरूर जित लवेगा। श्री गुरु नानक देव जी का वड्डा प्रताप है, इस करके तू बहुत वड्डा जस प्राप्त करेगा। सुख सहज तू अपने घर में जाके सब नू मिल लवेगा, कुछ ही दिनों विच फिर चले जावांगे। हुण जे ये टूनेहार स्त्रियां जद सारियां लश्कर वाले पास आउण तां तुरंत मेरे पास खबर पहुँचाओ ते तुरंत सवारां नू घोड़ियां ते चढ़ाओ। असी वेखांगे फिर उन्हां दी शक्ति नहीं रहेगी ते शक्तिहीन हो के उस स्थान ते बह जाणगियां। हिरदे विच कदी भी शंका ना करो, सदा ही पूर्ण आनंद धार के रखो। यह सुन के उसनू सतगुरु जी दे बचन बहुत चंगे लगे, मानो दरिया विच रुड़दे जांदे नू बेड़ी मिल गई होवे। राजा हिरदे विच बहुत प्रसन्न होया, जग विच मेरा ऐसा श्रेष्ठ जस होवेगा राजे मान सिंह ने भी जेड़ा नहीं पाया सी। उसने हाथ जोड़ के चरणा ते नमस्कार कीती ते आग्या पा के उस समय चला गया। इस तरह राजे ने तकड़ाई कर दिती। एक रात जद बीत गई, सवेर होई तां सारे सूरबीर जाग पए, सारे उन्हां स्त्रियां नू लभण लगे। जिस पासे तो आउंदियां सन उस पासे वेखण लगे, सुचेत होए आपस विच गल्लां करदे सन। हुण उन्हां स्त्रियां नू फड़ लवांगे जिहड़ियां अनेक रीतियां नाल टूणे करदियां हन। इन्ने विच इक धोबण आई, ओह ब्रिछ ते चढ़ी सी ते शरीर उसदा जवान सी। तुरंत एक सवार नू गुरु जी दे पास भेजिया, ओह घोड़ा भजा के बड़ी तेजी नाल गया ते जा के सतगुरु जी नू खबर दे दित्ती। सतगुरु जी इस्त्री नू वेखो जो आई है। गुरु जी बंगले तो बाहर निकले ते अंतरजामी गुरु जी ने उस पासे वेख्या। जद उस उत्ते सतगुरु जी की नज़र पई तां उस इस्त्री की सारी मंत्र शक्ति जांदी रही। दरख्त उस थां खड़ा हो गया ते शक्ति रहित होण करके उस पासों उड्या ना गया। मुख तो मंत्र उचारण करदी हार गई, कुछ भी नहीं सी हुंदा, दिल विच बड़ा डर धारण कीता। पागल होई इधर उधर वेखदी सी, ब्रिछ उस स्थान तो हिलिया नहीं। महासिद्ध भाव गुरु जी दी उस ते नज़र पई है, जिस कारण मंत्रां दी शक्ति दूर कर दित्ती है। बहुत लोकां ने फिर दौड़ के फड़ ली ते गुरु जी ने उसनू अपने पास बुला लिया। जद फड़ के ले आए तां ओह दिल विच बहुत डर गई, पर गुरु जी दा सरूप वेख के उन्हां दे चरणी पै गई। कहण लगी, आप जी दा महान प्रताप है, जिस दी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। मैं वेख के तुहानू चंगी तरह जान लिया है, मैं तुहानू विष्णु दे अवतार पछाणिया है। होर किसे विच अजिही शक्ति नहीं हुंदी है जेड़े सानू वेख के ही हरा देण। तुसी सारे जगत दे स्वामी हो, कारण करन सब दा निर्वाह करदे हो, तुसी तुरक बादशाह दे किवें सहायक बने हो ते इस राजे उत्ते चढ़ के आए हो। तुसी हिंदुआं दी रक्षा दे योग हो, आप जी दे लोग आप जी दे आसरे हन। धोबण इस्त्री दी चतुराई सुन के मालक गुरु जी अपने मुख तों मुस्कराए ते उसनों सब तो वक्री करके कहा, तेरे राजे नू बुला लवांगे। इस राजे नाल उसनों बुला देंगे, दोवां दे वैर नू खत्म करांगे, असी दोवां नू बराबर रखांगे, उसनों मारांगे नहीं, असी अपने सेवकां दे कारज सवारदे हाँ। हे जोबन सहित धोबन, सुनो, जिथे तेरा ब्रिछ है इस दे थले बैठी रहो, सारे परिवार नू बुला लो ते इत्थे अपना घर बना के वसो। होर लोग भी इकट्ठे हो के इत्थे वसणगे ते तेरे नाम उत्ते इत्थे नगर वसाउणगे। जगत विच तेरी बहुत कीर्ति रहेगी जद तक यह नगर इस स्थान ते वसदा रहेगा। असी इत्थे वसा के होर थां चले जावांगे, तद तक ब्रिछ वाली थां ते बैठो। गुरु जी दा इस तरह दा बचन सुन के धोबण ने उस दरख्त दे थले अपना डेरा जा लाया। उस पिछों जिन्नियां भी स्त्रियां आईयां वह धोबण फड़ी वेख के भज गईयां। वापस मुड़ के फिर पिछे वल ना वेख्या, सानू भी फड़ लैणगे, बहुत डर गईयां। बड़ी तेजी नाल नगर विच दाखल होईयां ते उन्होंने राजे नू सारी खबर दित्ती। नित असी जा के सारयां नू छुड़ाउंदियां सी, आकाश दा राह पा के उपर फिरदियां सी। धोबण साथों अगे गई सी, उत्थे कोई भारी सिद्ध पुरख सुनाया जांदा है, उसने सारी शक्ति दूर करके फड़ ली है। जिस ब्रिश दे उपर चढ़ के धोबण आकाश विच फिरती सी, हुण तां कोई भी अगे नहीं जावेगा, जिहड़ा भी जावेगा
अपने आप नूं फड़वावेगा। कोई होर यत्न बना के करो, नहीं तां आप हार जाओगे। यह सुन के राजे ने मन विच विचार कीती। उस दे अगे मैं बहुत मंत्र कीते हन, राजे नूं मारन वास्ते बहुत प्रेरिया है, पर फिर भी मेरा कारज नहीं सरिया है। महापुरख उन्हां दी सहायता करदे हन ते मंत्र शक्ति पहुँच नहीं सकती है। जिहड़ी शक्ति सुमेर पर्वत नूं उड़ा सकती है, अचल नूं चला दिंदी है ते चलदे नूं खड़ा कर दिंदी है। जल दे प्रवाह नूं रोक के रख लैंदे हाँ, उस शक्ति दे अगे विचारे लोग की हन। सैना रहित राजे नूं मार सकदे हाँ, यतना समेत भी बच नहीं पाउंदे हन। पर एक बार ये सारे निष्फल हो गए हैं, इस करके ये कोई वड्डे सिद्ध पुरख दिखाई देते हैं। हुण केवल कामाख्या देवी ही सहायता कर सकती है, होर उपा करदे हार गए हाँ। ओ देवी सदा सानू विघना तो बचाउंदी है। जेड़ा भी कदी चढ़ के आउंदा है वह कदी भी नहीं जितया है। धर्म के वास्ते सदा साड़ी सहायक बनती है, अपने दासां दी लाज अते वड्याई रखती है। इस तरह चिंता करके असाम दे राजे ने बहुत होम समग्री लई, मंत्रां विच निपुन सारे मनुख बुलाए ते देवी दे मंदर विच चल के आ गए। इशनान आदि करके पवित्र होकर आराधना करन लगे। अग दे विच धन पा के कामाख्या देवी नूं बुलाया। मन नूं लुभाउण वाली देवी ब्राह्मण दे मुख द्वारा बोली, हे राजे कोई चिंता ना करो, तैनू कोई दुख नहीं होवेगा जे धीरज धारण करोगे। राज सहित तू आनंद कुशल रहेगा, वैरी तो नहीं हारेगा। उत्तम पुरख जिवें तुहानू कहिंदे हन उहनां दी आग्या अनुसार रहो ते जिस तरह उह कहण मन जाओ। ये कह के जगत दी राणी चुप हो गई। वजीरां समेत राजे ने आग्या मन लई, वंदना करके अपने घर नूं चले गए। चित विच सोचदे सन कि कैसा हो जाएगा हुण, साडे पासों की उपा होवे जिस करके वैरी दा डर गवाईए। अपनी शक्ति नाल जंतर मंत्र करके हार गए हाँ, उन्हां नाल कोई भी कार्य नहीं सरिया है, हुण युद्ध करना ही बनता है। श्री कामाख्या देवी दी जय करवाइए। वजीरां नाल इस तरह सलाह करके राजा जंग करन वास्ते सुचेत हो गया। युद्ध समगरी बहुत वरताई ते सारे सूरबीर एक थां इकट्ठे किते। तोपां बंदूकां नूं शुद्ध करके सारी सैना वड्डा युद्ध करन वास्ते भेजी। असीं कुछ दिन बाद विच चढ़ाई करांगे, भारी सूरबीरां दा युद्ध करवा के वेखिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।